हेलो व्यूअर्स, मैं सरतासर और आप देख रहे हैं सरतासर की क्लास। भाई आज इस वीडियो में मैं आपको ये जितने भी चाहिए वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इन्हें इंग्लिश में बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये चाहिए वाले सेंटेंसेस सीखने तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की और सीखते हैं कैसे बनाते हैं इंग्लिश में ये चाहिए वाले सेंटेंसेस। वैसे ही चाहिए वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इंग्लिश में टोटल चार मोडल्स दिए गए हैं। पहला है शुड, दूसरा है मस्ट, तीसरा है ऑट टू और चौथा है वांट। इन चारों का मतलब हिंदी में चाहिए ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है जहां दिल में आया मुंह उठा के चिपका दिया। कंडीशन चारों की अलग अलग है, कंडीशन बाद में बताऊंगा, पहले चारों का फॉर्मूला देखो। शुड का फॉर्मूला बिल्कुल आसान, एकदम हलवा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट शुड नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। इसके बाद अगर क्या वाला बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, मूड बन जाए तुम्हारा, तो शुड पहले लगा देना और उसके बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो जाएगा, खत्म। ऐसा ही बिल्कुल आसान मस्ट का फॉर्मूला, एकदम बिरयानी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मस्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट मस्ट नॉट लिख देंगे तीसरे नंबर पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या वाला है, तो भाई मस्ट पहले लिख देंगे, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे नंबर पे है ऑट टू, इसका फॉर्मूला भी वही शुड और मस्ट की तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑट टू लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नहीं वाला बनाना है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन रुक जाओ, ऑट के बाद टू नहीं लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। जो नॉट है ऑट और टू के बीच में आएगा, बड़े असलील किस्म का है, बीच में ही रहता है ये। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वाला बनाएंगे, तो खाली ऑट को उठा के पहले लेके आएंगे, बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो गया। ये जो वांट है इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले ये तीन सीख लो और इनकी सिचुएशन समझ लो बड़े ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं शुड की। हिंदी में इसका अर्थ होता है चाहिए। इसका इस्तेमाल जब करेंगे, जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं, यानी एडवाइस कर रहे हैं। अब सामने वाला माने या ना माने, भाड़ में जाए। चलो एक सेंटेंस दिखाता हूं, तुम्हें जाना चाहिए। अब इस सेंटेंस में मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो यहां पे लास्ट में चाहिए भी आ रहा है। इसे कैसे बनाएंगे, तुम्हें के लिए यू लगाया, अब शुड लगाएंगे, यू शुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड गो। आप मना भी कर सकते हैं, यानी नेगेटिव सलाह भी दे सकते हैं, किसी काम को करने के लिए मना करने वाली सलाह भी दे सकते हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो, और पूछ भी सकते हैं क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो। चलो राम को सलाह देते हैं, राम को किताब पढ़नी चाहिए। यहां पे मैं राम को सलाह दे रहा हूं किताब पढ़ने की। बनाते हैं, राम नाम है, राम का राम लिख दिया, इसके बाद चाहिए के लिए शुड, राम शुड, और उसके बाद पढ़ना रीड, बाकी की चीजें लास्ट में, बुक या द बुक, राम शुड रीड द बुक। इसको मना भी कर सकते हैं तीसरे नंबर पे नॉट लगा के, राम को किताब नहीं पढ़नी चाहिए, राम शुड नॉट रीड द बुक। और अगर मुझे पूछना है क्या राम को किताब पढ़नी चाहिए, यानी मैं आपसे सलाह मांग रहा हूं राम के बारे में, तो शुड पहले लिख देंगे, शुड राम रीड द बुक। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि मैं सलाह दे रहा हूं, तो जब भी सलाह देंगे शुड का इस्तेमाल होगा। दूसरे नंबर पे आता है मस्ट, इसका मतलब भी हिंदी में चाहिए ही होता है, लेकिन ये फोर्स करके, यानी किसी को जोर देकर किसी काम को करने के लिए कहा जाए तो ऐसी कंडीशन में मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी हिंदी वैसे होती है जरूर चाहिए। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसमें चाहिए और जरूर आ रहा है, तो जरूर की अलग से कोई इंग्लिश नहीं लगेगी, चाहिए के साथ जरूर आ गया, मतलब ये फोर्स कर रहा है, मस्ट लगा के काम बन जाएगा, यू मस्ट रीड। इसको मना करेंगे, तुम्हें तो जरूर नहीं पढ़ना चाहिए, यू मस्ट नॉट रीड। और अगर पूछेंगे भाई क्या तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, मस्ट यू रीड। लेकिन रुको, ये जो जरूर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि जरूर आए तभी मस्ट लगेगा। किसी भी सेंटेंस में अगर फोर्स करके कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है तो वहां पर मस्ट ही लगेगा। एक एग्जांपल जरा ध्यान से देखो, तुम्हें जाना चाहिए, ये वाला सेंटेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था जब मैं आपको शुड के बारे में पढ़ा रहा था। अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम्हें जाना चाहिए। आप में से ज्यादातर कहेंगे यू शुड गो, जैसा कि अभी आपने पहले बताया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा ये सलाह दे रहा है। गलत। जब भी कोई सेंटेंस लिखा है तो हम उसको देखकर ये तय कर ही नहीं सकते ये सलाह दे रहा है या जोर दे रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन में कुछ भी लगा सकते हैं, शुड वी या मस्ट वी। क्यों? ध्यान से सुनो, ये सलाह भी हो सकती है, जैसे अरे यार सनी लियोन की फिल्म आई है, नहीं आई है, तुम्हें जाना चाहिए, देखनी चाहिए फिल्म, अच्छी फिल्म है, एक बार तुम्हें जाना चाहिए। अब इस सेंटेंस में फिल्म देखने के लिए कह रहा है तुम्हें जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, मर्जी है उसकी, तुमने तो सलाह दे दी। तो अगर नॉर्मली तरीके से सलाह दे रहे तुम्हें जाना चाहिए, तो भाई फिर ये शुड में बनेगा, यू शुड गो। लेकिन अगर जोर देकर कह दे वे ओ भाई ये वो तुम्हारा, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, जा चला जा, जाना चाहिए तुम्हें, जाना चाहिए वहां पे, देख तो आ कम से
जाना चाहिए तुम्हें। यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे फोर्स कर रहा है, सलाह वाला कुछ नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे एक्सप्रेशन को देखते हुए लग रहा है कि ये फोर्स कर रहा है, तो यहां पर यू शुड गो की जगह मैं लिखूंगा या मैं बोलूंगा यू मस्ट गो। तो कुल मिलाकर पता ये चला कि चाहिए आ जाए भले ही जरूर आए या ना आए, अगर जोर देकर बात हो रही है तो मस्ट लगेगा, और अगर सलाह के रूप में बात हो रही है सामने वाला माने आना बाने काम नहीं बिगड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में शुड लगेगा। चलो एक और एग्जांपल देख लो, राम को किताब पढ़नी चाहिए। अब इसमें सिर्फ चाहिए आ रहा है, बताओ शुड आएगा या मस्ट आएगा? तो भाई टेंशन मत लो, इसमें तो दोनों आएंगे, क्योंकि वो तो लाइफ में डिपेंड करता है कि हम किस समय ये सेंटेंस बोलेंगे, उस वक्त सही फैसला कर पाएंगे कि शुड आएगा या मस्ट आएगा। ये तो नॉर्मली लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, ये सलाह भी हो सकती है, अरे यार ये किताब बहुत अच्छी है, राम को दिखाना, राम को किताब पढ़नी चाहिए, काफी अच्छी किताब है, एक बार दिखा देना उसको। तो यहां पे सलाह दे रहा है, राम शुड रीड द बुक। ओ भैया हीरो परीक्षा आ रही है, परीक्षा किताब दे दो, उठा के राम को दे जल्दी से, राम को किताब पढ़नी चाहिए, एग्जाम आ रहे हैं, जा जल्दी जा। ऐसी कंडीशन में यहां पर लग रहा है कि मैं जोर दे रहा हूं, तो यहां पर राम शुड रीड द बुक की जगह लिखेंगे या बोलेंगे राम मस्ट रीड द बुक। तीसरे नंबर पे आता है ought to। शुड और मस्ट की तरह ought to की हिंदी में चाहिए ही होती है, लेकिन ये एक विलुप्त प्रजाति है। डायनासोरों के टाइम पर, हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे तो ought to का यूज होता था, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में ought to का यूज बहुत कम लोग जानते हैं। इवन आप में से ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत कम लोगों को ought to का यूज और इसकी मीनिंग पता होगी, काफी लोग इसे पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ought to का यूज नहीं होता है, इसकी जगह मस्ट का यूज होता है। लेकिन आज भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम हो, या फिर आपका 11th 12th, या फिर आपका ग्रेजुएशन, इन सभी एग्जाम्स में आज भी ought to जिंदा है। इसलिए मैं आपको इसकी मीनिंग भी बता देता हूँ। ought to का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल नैतिक कर्तव्यों के लिए करते हैं, मतलब हमारे जितने भी कर्तव्य होते हैं बड़ों के प्रति, देश के प्रति, कानून के प्रति, उन सभी कर्तव्यों को बताने के लिए ought to का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए, अब मुझे बताओ फिल्म देखना कोई नैतिक कर्तव्य है? तो ये ought to में नहीं बनेगा, ये should या must में बन सकता है। अब मैं आपको एक नैतिक कर्तव्य वाला सेंटेंस दिखाता हूं, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। अब ये एक फॉर्मल ड्यूटी है, ये एक नैतिक कर्तव्य है, ये ought to में बनेगा। चलो फिर बनाएं, तुम्हें के लिए यू लगाएंगे और चाहिए के लिए यहां पर ought to का इस्तेमाल होगा। पहनना वेयर और हेलमेट द हेलमेट, यू ought to वेयर द हेलमेट। अब इसका नेगेटिव बनाना भी चाहे तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि नैतिक कर्तव्य के लिए ought to का इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसमें नॉट लगा दूंगा तो ये नैतिक कर्तव्य होगा ही नहीं, यानी अगर मैं कहूं तुम्हें हेलमेट नहीं पहनना चाहिए तो फिर ये तो नैतिक कर्तव्य रहा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में शुड या मस्ट लगेगा। वैसे ought to की जगह मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए भी जोर देकर ही कहेंगे ना किसी से। तो यहां पर स्पीकिंग में यू मस्ट वेयर द हेलमेट हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में आपको यू ought to वेयर द हेलमेट ही लिखना पड़ेगा। हमें लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसका अफर्मेटिव नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फिर ये नैतिक कर्तव्य नहीं रहेगा। तो चलो फिर नेगेटिव ही बना लेते हैं, वी ought not to। अब यहां पर ought और to के बीच में not आ गया, वी ought not to क्रॉस द रेड लाइट। चौथे नंबर पर आता है want। इसका मतलब भी हिंदी में चाहिए ही होता है। ज्यादा तेज दिमाग मत दौड़ाना, इसके आगे टू मत लगा देना, want to का मतलब कुछ और होता है, उसकी वीडियो एक दो दिन में आने वाली है, इसलिए इसे ही सीख लो। want का मतलब होता है चाहिए। should का इस्तेमाल कर रहे थे सलाह देने के लिए, must का इस्तेमाल कर रहे थे जोर देकर किसी काम को करने के लिए, ought to का इस्तेमाल कर रहे थे कर्तव्य निभाने के लिए, फॉर्मल ड्यूटीज के लिए, want का इस्तेमाल करेंगे सामान के लिए, यानी नाउन के लिए। और इसका फॉर्मूला उन बाकी के तीनों से बिल्कुल अलग है, इसलिए मैंने इसे एंड में रखा है। चलो इसका फॉर्मूला समझो। इसका फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है। अगर आपको इसका फॉर्मूला समझ में ना आए एंड तक, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, और दोबारा देखने के बाद यहां कोने में एक पट्टी चल रही होगी जिस पे लिखा होगा तीनों टेंस सीखे। पहले वो तीनों टेंस सीखना, उसमें से इंडेफिनिट टेंस पर ज्यादा ध्यान देना, फिर इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फॉर्मूला सुनो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वांट लिखेंगे, और वांट में एस लगा देंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो, यानी अगर ही शी नेम इट हुआ तो वांट नहीं वांट्स, और अगर आयुर्वेद हुआ तो वांट ही लिखेंगे, फिर एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सामान का नाम लिखेंगे, जो भी सामान आप मांग रहे हैं या फिर कोई और मांग रहा है। अब नेगेटिव बनाते हैं भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं वाले में, उसके बाद डूडस आएगा। तो ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला फॉर्मूला चल रहा है, तो वैसा ही यहां पर दिखाई दे रहा है डूडस आएगा। डूडस किस किस के साथ आएगा?
सिंगुलर के साथ यानी ही शी नेम इट के साथ डज आएगा और आई यू विद है यानी प्लूरल है तो डू आएगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वॉन्ट लगाएंगे, एस वेस तो अब आएगा ही नहीं, नेगेटिव में नहीं आता, वो भी अफर्मेटिव में आता है, और उसके बाद फिर सामान का नाम लिख देंगे। क्या वाला बनाना है तो भाई डू डज उठा के पहले लिख दो, फिर आपका सब्जेक्ट और वॉन्ट और लास्ट में सामान का नाम और एक क्वेश्चन मार्क चिपका दो। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं, मुझे मोबाइल चाहिए। अब यहां पर देखो, जाना आना खाना पीना सोना कुछ नहीं है, यानी काम की बात नहीं हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है, सामान की बात हो रही है, तो मस्ट शुड ऑट टू भाड़ में गए, यहां पर लगेगा वांट। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे के लिए आई, उसके बाद वांट, क्या वांट में एस लगाएंगे? नहीं, क्योंकि आई यू विद के साथ तो एस लगता ही नहीं। आई वांट, मोबाइल के लिए लिख देंगे अ मोबाइल, आई वांट अ मोबाइल, मना कर दो मुझे मोबाइल वाइल नहीं चाहिए भाई। आई, अब डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट वांट अ मोबाइल, थोड़ा और स्मार्ट बन जाओ, इस डू नॉट को कंबाइन कर दो, बोल दो आई डोंट वांट अ मोबाइल, क्योंकि डू नॉट मिला के डोंट बन जाते। और भाई अगर पूछ रहे हो किसी से, सवाल कर रहे हो क्या मुझे मोबाइल चाहिए, तो डू पहले लिख दो, डू आई वांट अ मोबाइल। आओ अब एक सिंगुलर वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, राम को किताब चाहिए। पहले हमने लिखा था राम को किताब पढ़नी चाहिए, वहां पढ़ना यानी काम की बात हो रही थी, इसलिए मस्ट या शुड का इस्तेमाल करा था। अब सामान की बात हो रही है, डायरेक्ट भाई किताब चाहिए, किताब की जरूरत है, चलो बनाए। राम नाम का नाम लिखेंगे राम, उसके बाद वांट नहीं लिखेंगे, वांट्स, क्योंकि भाई ही शी नेम इट और सभी सिंगुलर पर्सन के साथ एस लगता है। राम वांट्स, अब किताब अ बुक, राम वांट्स अ बुक, अब इसी को नेगेटिव बनाना है, राम को किताब विताब नहीं चाहिए भाई, राम डज नॉट वांट अ बुक, एस भाग जाएगा क्योंकि जब भी डू डज आता है एस नहीं लगता। और अगर मुझे इसे क्या वाले में बनाना है, क्या राम को किताब चाहिए या किताब चाहिए, डज राम डज पहले आ जाएगा, वांट अ बुक। तो कुल मिला के एंड में ये रिजल्ट निकला, ये जो चार मॉडल से चाहिए के लिए चारों की अलग अलग सिचुएशन है। शुड का इस्तेमाल करते हैं सलाह देने के लिए, मानो या ना मानो, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी काम को जोर देकर करने के लिए कह रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं नैतिक कर्तव्य के लिए, और वांट का इस्तेमाल करते हैं सामान के लिए, तुम्हें पेन चाहिए, उसे घड़ी चाहिए, मुझे बहू चाहिए। तो अब आपको शुड, मस्ट, ऑट टू और वांट का सही इस्तेमाल आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ यू वर्ड छोड़ा इन चारों शब्दों से रिलेटेड, जिससे जाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, मैं लाइक कर उन्हें चेक कर दूंगा, कोई करेक्शन होगी तो कमेंट करके बता दूंगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना और लाइक कर देना इस वीडियो को जाते जाते।